कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे हैं। अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी केयर कीजिए अपने फैमिली की। अभी जैसे कि पूरे देश में प्रॉब्लम चल रही है कोरोना वायरस की, मेरा ये वीडियो आने तक शायद 70,000 के करीब आप लोगों को देखने मिलेगा पूरे देश का आंकड़ा। तो बहुत बड़ा संकट है देश में, सबका साथ देना एक दूसरे को हमें। और मैं कोई ज़्यादा दूर नहीं आया हूँ, मैं भी लॉकडाउन का पालन करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत दूर दूर घूम रहा हूँ, ये घर के आसपास का इलाका है बाईपास। और यार ब्लॉगर्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है, जैसा कि ट्रैवल आप लोग नहीं कर पाओगे। मैं देख रहा था कुछ रूल्स, 1 साल तक तो ट्रैवल बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकॉज लॉन्ग राइड्स तो होने नहीं देगी गवर्नमेंट। तो आप लोगों को घर में ही या घर के आसपास के ही ब्लॉग्स बनाने हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि यार अपने आसपास का जो विलेज लाइफ है हमारे, हम छोटे शहर से हैं तो यहाँ का मैं आपको दिखाऊँगा बहुत अच्छे से। क्योंकि यहाँ देखिए, ये तो कोई रेड जोन नहीं है, यहाँ पर थोड़ा निकल सकते हैं हम लोग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग बिल्कुल आज़ादी से घूमें। हमको थोड़ा केयर भी करनी है। मैं भी मास्क वगैरह सब साथ में रखता हूँ, अभी मैंने रखा है यहाँ पे। मैंने जस्ट निकाला है क्योंकि मुझे ब्लॉग बनाना था अच्छे से। और देखिए आप लोग, ये फील्ड्स है मेरे पीछे, मेरे घर मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं। अभी गर्मी का सीज़न है तो इतना अच्छा नहीं लगता, अभी बारिश में यहाँ बहुत अच्छा लगता है जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ। और सनसेट देखने में बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा सनसेट होता है इस बाईपास पर। ये थोड़ा ऊंचाई पर बनाया है बाईपास, मतलब थोड़ा सतह से। और इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ बाईपास पर, मेरे शहर में कटंगी न्यूज़ पोर्टल ने उस वीडियो को लिया था। इस बाईपास की हालत अब ख़राब हो गई है, मैंने देखा अभी उतना ही अच्छा नहीं रहा। अब धीरे धीरे पता नहीं इसमें मटेरियल कैसा यूज़ किए थे तो ये ख़राब होने लगा है। और एक अच्छी खबर ये है कि ब्रिज बन रहा है यहाँ पर बाईपास पर आगे, तो जिसको भी ब्रिज देखना है वो लोग जा सकते हैं। ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी, कोशिश करूँगा मैं ब्लॉग में बताने की आपको, बट वहाँ पर भीड़ रहती है तो मैं गया नहीं, बहुत सारे रीज़न्स है। बट कोशिश करूँगा अगर मैं जा पाया तो, आप अगर मैं वहाँ गया तो आपको मैं ज़रूर दिखाऊँगा। रेलवे ओवर ब्रिज बन रहा है, मतलब कि रेलवे ओवर ब्रिज नहीं, एक्चुअली देखा जाए तो वहाँ पर कनेक्शन हो रहा है तिरुड़ी से कटंगी का रेलवे लाइन का, तो उसके लिए ब्रिज बना रहे हैं क्योंकि बीच में हाईवे है। और कैसी लगी लोकेशन ज़रूर बताइएगा। ये बाईपास हाईवे है जो शहर के बाहर से निकलता है और ये जबलपुर साइड को, इधर से एक जबलपुर सिवनी को जोड़ता है, इधर नागपुर को जोड़ता है। ठीक है, कुछ वीडियोस मैं आई बटन में दूंगा, ज़रूर देखना मेरे पुराने वीडियोस। ठीक है, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोज़ बनाने के लिए। मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाता हूँ और आप लोग ही सब्सक्राइब नहीं करो। आज एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो लाया हूँ, कोई रोस्ट नहीं है, कोई कॉमेडी नहीं है ज़्यादा, तो बहुत ज़रूरी बात करने जा रहा हूँ। जैसे कि अभी देश में हालात है, आप लोग जानते हो कि अभी कंट्री में कोरोना वायरस का कहर बरप रहा है, तो पूरे इंडिया में अभी सब लोग दिक्कत में हैं। पिछले वीडियो में मैंने रोस्ट किया था, जैसे कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है बहुत फेमस, 3 कंटेंट बनाते हो वैसे भी, अगर आपके 3 कंटेंट है तो सारे यूट्यूबर्स कम्युनिटी सब वही कंटेंट कॉपी करने लग जाते हैं, वही बातें होती है। भाई बहन के वीडियो तो सब भाई बहन के वीडियो बनाएंगे, गोल्ड डिगर की वीडियो तो सारे जो ये आमिर भाई बोल रहे हैं कि यूट्यूबर्स लोग लड़ाई करते रहते हैं, ये सब फालतू बात है। फेमस हो गया है कैरी मिनाटी और सिद्दीकी भाई का वीडियो। अब आज थोड़ा जनरल बात करेंगे देश में अभी सिचुएशन को देखते हुए। सबसे पहले मैं आपको बैकग्राउंड में बता देता हूँ, यार ये पेड़ बहुत अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैं रुक गया। यहाँ पे घर के पास में ही है यहाँ पे एक बाईपास, ये मेरे आप लोग मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में देख लेना, आप लोग फॉलो कर लेना, मैंने फ़ोटोग्राफी की है। ये जो फील्ड्स है, जो हमारे विलेज लाइफ है हमारे एरिया की, वो मैंने दिखाई है, तो ज़रूर इंस्टाग्राम पर फॉलो करना, उसमें आपको बहुत अच्छी पिक्स मिलेंगी मेरे बाइक के साथ। मैं आसपास जैसे छोटी मोटी राइड करते रहता हूँ, लॉन्ग राइड्स तो अब बंद हो गई है, कोई नहीं कर पाएगा। देखो अभी मोदी जी का अगर आपने स्पीच देखे हो तो आप लोगों को पता होगा कि उन्होंने इस साल मतलब 2020 में हमारे कंट्री को इंडिपेंडेंट होने के लिए बोला है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। इंडिपेंडेंट होना मतलब क्या, मतलब हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, हमारे देश में ही हम लोग सब चीज़ें बनाएं, प्रोडक्शन हमारे देश में ही हो, फॉरेन से हम लोग ज़्यादा गुड्स ना बुलाए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कंट्री में अभी हमारे देश में जैसे कि लॉकडाउन है, तो इससे इकोनॉमिक्स हमारे देश की इकोनॉमी पर बहुत असर हुआ है, तो इसको देखते हुए देश में ही हमें हमारा पैसा रुकना चाहिए। अगर हम लोग इम्पोर्ट करेंगे, बाहर से बुलाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे देश को लॉस है, ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोकल मार्केट को उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया है, मतलब जो लोकल में बनता है। लॉकडाउन में ये तो समझ में आ गया कि यार बाहर से आई हुई चीज़ें ज़्यादा काम की नहीं है। आप लोग नज़ारा देखिए मैं कहाँ पर बैठा हूँ, ये पूरे खेत खलियान हैं हमारे शहर के पास, और
यहाँ पर पेड़ है बहुत बड़ा, ये आम का, इससे बड़े बड़े पेड़ हैं, वैसे भी आप लोग देख सकते हो गाँव में तो होते ही है। और मैंने बाइक वहाँ पार्क कर दिया साइड में। अभी खेतों में इतनी उदासी इसलिए है क्योंकि अब शाम का वक्त है और वैसे भी अभी गर्मी का सीज़न है, कोई लोग काम के लिए आते नहीं है। बारिश में बहुत अच्छा लगता है, मैं आपको बारिश में ये सीज़न, ये मतलब जो अभी मॉनसून आएगा इसमें मैं आपको दिखाऊंगा, ये बहुत अच्छा लगता है। आप पिछले वीडियोज़ में आपने कहीं देखे होंगे मेरे व्लॉग्स में, बहुत अच्छा लगता है। कल बहुत ज़ोरदार बारिश हुई थी इसलिए मैं आया नहीं, मैंने सोचा था कल एक व्लॉग बनाऊँगा, बट इतनी तेज़ बारिश हुई कि आप लोगों को क्या भी हुई होंगी जो लोग मुझे दूर दूर से देख रहे हैं, तो बहुत तूफान, एक घंटे तक ऐसा लगा यार कि जैसे मतलब थंडर स्टॉर्म, जैसे कोई जुलाई अगस्त में जो बारिश होती है वैसे, पता नहीं क्या हो गया यार इस साल तो, मतलब कहर है पूरे दुनिया पर। कभी कभी ऐसा लगता है ना भगवान निपटाने की सोच रहा है क्या, पता नहीं सब। अरे अभी तुम कहाँ जा रहे हो, हम लोग का झगड़ा खत्म हो गया ना भाई, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, जा रहा हूँ। अभी मैंने ऐसा क्या बोला,